नहीं नहीं अब तो हो गई अपनी हेलमेट वगैरह तो अब होती है हमारे पास तो उसके लिए अब गलती मान जाएगा। जी जी बिल्कुल। सर बात ऐसी है कि जैसे जानीपुर में रहता हूँ रूपनगर में, मुझे सुबह बच्चा छोड़ने के लिए आना पड़ता है और बच्चा छोड़ने में ऐसा है कि सुबह ट्रैफिक रहता नहीं, खासकर मैक्सिमम रोड खाली रहती है, लेकिन मेटाडोरों का ऐसा ही हिसाब है मुझे तो समझ नहीं आती। ट्रैफिक वाले बच्चों का चलान काट रहे हैं, सिर्फ बच्चों का चलान काटेंगे, पब्लिक को तंग करेंगे जहाँ उनका भी करेंगे जो ट्रैफिक करेंगे। एक मेटाडोर ब्रेक मारती है, उसके पीछे सारा ट्रैफिक रुक जाता है। और भाई साहब अगर तुमने ब्रेक मारनी है पहले बस स्टैप बनाओ। हाई कोर्ट किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए, इतने IAS ऑफिसर बैठे हैं, इतने हमारे इंटेलिजेंट LG बैठे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट देखा, सब कुछ देखा हुआ है, उसके बावजूद इनसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। एक मेट्रो क्रॉस करो फिर आगे जाओ, फिर दूसरी मेट्रो ब्रेक मारेगी, फिर पीछे सारा ट्रैफिक जाम, फिर तीसरी मेट्रो क्रॉस करो फिर एक मारेगी, और एक नहीं लगता। मेरे पास स्कॉर्पियो है, ऊपर से दिखता है कि आगे एक मेट्रो रुकी हुई है और उसके पीछे सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। और ये हर जगह हो रहा है, हर जगह जानीपुर नहीं, हर जगह रूट पर मैक्सिमम जानीपुर और तालाब दिलो रोड पर मैक्सिमम ये चीज़ हो रही है। ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक IG साहब, अपने DG साहब, सबसे हमारी विनती है, अनुरोध है कि भाई साहब इनको चलान तो, बच्चों का चलान तो काटो, सब कुछ काटो। जो मेटाडोर वाले ये बिल्कुल अनमैनेज तरीके से चल रहे हैं, गाड़ियों को ये परवाह नहीं करते, कोई आगे गाड़ी लगी है रॉन्ग कट ये लेंगे, ऊपर से उसकी गलती निकालेंगे। ये रोज़ का काम है, हम अपने घर से निकले हुए हैं, हम रोड का टैक्स देते हैं, इसलिए नहीं देते कि हम रूल इसलिए रेगुलेशन इसलिए कि हम शांति से चलें। भाई साहब आधा तो इन्होंने ज़िंदगी लोगों की ऐसे परेशान करके रखी मेटाडोर वाले, अब ट्रैफिक वालों का क्या काम है, इनका काम नहीं मेटाडोर मैनेज करना, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, अगर नहीं होता तो बताओ फिर पब्लिक को दे दो, सारा कुछ पब्लिक करेगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।